तो यू हैव टू चूज आपका मोबाइल का ब्रांड एंड द मॉडल. हे गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू द चैनल. उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे. बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ. मतलब द लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो था गौरी विसर्जन का. उसको बना के भी ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए. हमने कुछ शॉपिंग की है तो आप समझ गए रहेंगे टाइटल से कि ये भी अनबॉक्सिंग वीडियो है. तो मैं बताता हूँ मैंने क्या मंगाया है. हमने मंगाया है ये कवर्सकार्ट. कवर्सकार्ट एक पोर्टल है जो आपके मोबाइल के बैक कवर्स बनाता है. तो आपको मालूम है कि मैंने आईफोन 13 नया लिया था एक डेढ़ महीने पहले. तो मैंने सोचा चलो इनके कवर्स ट्राई करता हूँ, क्योंकि जब मैंने पोर्टल पे देखा था काफ़ी अच्छे लगे मुझे. तो ये है कवर्सकार्ट. आप गूगल करके इसको ढूंढ सकते हो. तो पैकिंग है काफ़ी अच्छा है इसका, आप देख सकते हो. दिस इज हाउ द पैकिंग इज क्वाइट स्टडी. तो मैं बताता हूँ मैंने क्या मंगाया है यहाँ पे. ये ऐसा कुछ पैनल है, मैं इसको खोलता हूँ अभी. दिस इज हाउ इट इज. ये एक है और जो दूसरा है ये दूसरा है, इसको भी खोलता हूँ मैं. तो ये ऐसे कुछ है. ये दोनों डिजाइन मुझे पसंद आए थे, अच्छा लगा मुझे ये. इसका कॉस्ट है 549 पर कवर. लेकिन इनकी ये ऑफर चल रही थी कि बाय टू एंड गेट 50% ऑफ. तो मैंने सोचा कि 549 में एक खरीदने से अच्छा है 549 में मैं 2 खरीदता हूँ. तो ये ऐसे कुछ है. और भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस है. मतलब इनके मेन्यू में आप जाओगे तो यू हैव टू चूज़ आपका मोबाइल का ब्रांड एंड द मॉडल एंड ये आपको फिर उसका रिजल्ट दिखाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है उसमें. काफ़ी सारे डिज़ाइंस है तो मैं अभी इनको इस्तेमाल करके देखता हूँ. वैसे तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. जो ये कवर है पीछे का ये केसिंग हार्ड है और ये साइड है जो थोड़े रबराइज है, तो इसमें ये अच्छी तरह से फिट होगा. सो गाइस कवर चढ़ा दिया, ये ऐसे कुछ दिखता है, देख सकते हो. काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत. एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये आपको है ना एज अ फैशन, मतलब खूबसूरत लगने के लिए अच्छा है, बट अगर आप सोचोगे कि इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा तो वो होएगा नहीं. क्योंकि मैंने देखा है ये जो कैमरा के जो लेंसेस है ना, ये दो ये इस कवर के ऊपर आ रहे हैं. तो मैंने ऐसा कुछ चेक किया, ये टच हो रहे हैं, मतलब अगर ये गिरता है तो ये लेंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. यूजुअली कैसा रहता है, ये कवर के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा एज ज़्यादा रहता है, ताकि अगर ये जब भी गिरे तो इम्पैक्ट है ना पीछे के कैमरा को ना हो, और अगर सामने से ये गिरे तो इम्पैक्ट स्क्रीन पे नहीं हो, क्योंकि इस तरफ भी थोड़े से एज ज़्यादा रहता है. इस तरफ ये एज है ना थोड़ा मोटा होता है, ताकि अगर ये ऐसा गिरे हाथ से आपके तो ये स्क्रीन को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए. लेकिन इस पर भी अगर मैं देखता हूँ तो ये स्क्रीन ऊपर आ रही है इससे. तो ये एक फैशन एक्सेसरी है, आप प्रोटेक्शन सोचते हो तो वो मिलने वाला नहीं है. तो चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं क्या करूँगा ये कवर अभी निकालूंगा, और जो मेरा पुराना वाला सिलिकॉन कवर है जिसमें ये एजेस थोड़े से मोटे हैं जिससे प्रोटेक्शन मिलेगा वो इस्तेमाल करूँगा. और अगर कहीं एक आध दिन कुछ रहेगा पार्टी वेटी फन ऐसा, तभी ये मैं डालूंगा. आई अंडरस्टैंड कि प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तभी,
बट ठीक है, देख लेंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, इट्स सिंपल मोबाइल कवर था, बट मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस आप सोचते रहेंगे कि काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग में वीडियोज़ बना रहा हूँ तो ये स्पॉन्सर्ड है क्या? तो नहीं भाई, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, अपने पैसे से मैं ख़रीद रहा हूँ क्योंकि मेरी ये ज़रूरतें हैं। और सिंस मैंने ये ख़रीदे हैं तो मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग करके आपको भी दिखाऊं ये क्या प्रोडक्ट है, और शायद से आपको अगर पसंद आए तो आप भी इनको मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।